हेलो स्टूडेंट्स, चलो एक्सरसाइज 3.1 में आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ। हमें फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिखने हैं। मैंने आपको समझाया हुआ है कि मल्टीपल्स कैसे फाइंड किया जाता है। तो बच्चों, मल्टीपल्स फाइंड करने के लिए हमारे पास सिंपल एक ही चीज है कि टेबल। ठीक है, जो भी नंबर का मल्टीपल्स फाइंड करना है, जैसे कि 5 का, तो आपको 5 का टेबल आना चाहिए बस। ठीक है, यानी कि 5 के टेबल्स में जो भी नंबर आएंगे, या तो 5 को अगर आप सिक्वेंसली 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते जाओगे, 5 1 5, 5 2 10, तो ये जो आंसर आ रहा है 5, 10, 15, ये सब आपके 5 के मल्टीपल्स हो जाएंगे। ठीक है, ये बेसिक आपको मैंने सिखा दिया है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो फिर ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा, एंड आपको टेबल्स भी अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, तो अगर हम इसे लिखना चाहे तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20 and 5 5 25। ठीक है, therefore first 5 मल्टीपल्स ऑफ 5 इज कौन से हो गए, तो ये आंसर जो है वो 5, 10, 15, 20 and 25। चलो हो गया सिंपल। 8 के लिए फाइंड करते हैं, तो चलो 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40। चलो लिखेंगे फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 8 आर आंसर 8, 16, 24, 32 and 40। चलो ये भी हो गया। थर्ड वाला 9 का है, तो 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36 and 9 5 45। चलो इतना हो गया। आंसर हमारा क्या होगा, तो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 9 आर 9 18 27 36 and 45। चलो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा सिंपल था, खत्म हो गया। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट का आंसर यहाँ पे, सेकंड का आंसर यहाँ पे, थर्ड का आंसर यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे फोर का आंसर, यहाँ पे फिफ्थ वाला। चलो फर्स्ट 35, तो आपके पास ये ऑप्शन है 35 क्या है इसमें से। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज चेक करनी मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स की, तो 35 को चेक करो, मल्टीपल्स ए ऑफ 8, क्या 35 8 का मल्टीपल है। तो सिंपल है, 8 के टेबल में 35 आता है कि नहीं आता है? सर नहीं आता है 8 के टेबल में 35, तो आएगा नहीं। सर 7 के टेबल में आता है 35, यानी कि मल्टीपल्स ऑफ 7 35 हो सकता है। यस, तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट के अंदर बी वाला आंसर हमारा। चलो 15 मल्टीपल ऑफ 8, तो ये तो हो नहीं सकेगा, ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट हो गया है। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 70, चलो 70 का मल्टीपल भी ये नहीं हो सकता है, क्योंकि 70 इज अ बिगर नंबर। ठीक है, चलो तो ये भी नहीं हो सकता। चलो आगे डी वाला, फैक्टर ऑफ 30, 30 का फैक्टर, यानी कि 30 को हम डिवाइड कर सकते हैं 15 से। यस सर, कर सकते हैं, 15 2 30 हो गया, तो यहाँ पे आंसर हमारा आएगा डी। चलो थर्ड वाला 16 के बारे में,
मल्टीपल ऑफ 8, 8 के टेबल में 16 आता है, यस सर आता है, चलो डाल दो। 20, ये ऑप्शन भी हमारा सिलेक्टेड है, ये भी सिलेक्टेड है। 20 के बारे में, तो 20 इज अ फैक्टर ऑफ 20, यस कोई भी नंबर खुद का फैक्टर होगा। आंसर कौन सा आया, एफ वाला, चलो ये आंसर भी हो गया। 25, फैक्टर ऑफ 50, हाँ तो 25 के टेबल में 50 आता है, या तो 50 को हम 25 से डिवाइड कर सकते हैं, तो इसके लिए आंसर हमारा आया ई। चलो हो गया, यानी कि एक ऐसा ऑप्शन था जो सिलेक्ट नहीं हुआ। मैथ द फॉलोइंग वैसे भी बहुत इजी होता है बच्चों। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ा सा ट्विस्ट करके दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन सुन लो, फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100। याद रखो बच्चों, आपको मल्टीपल्स किसके फाइंड करने हैं, 9 के, ठीक है। कहां तक, तो अप टू 100 तक। अब 9 के मल्टीपल्स आप फाइंड करोगे, लेकिन आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि 100 से पहले 9 का कौन सा मल्टीपल आएगा। अब तक तो मैंने आपको यही सिखाया कि मल्टीपल्स यानी कि टेबल में आने वाले नंबर, 9 के मल्टीपल्स फाइंड करने हैं, मल्टीपल्स ऑफ 9। तो आप क्या करोगे, सर आपने ही सिखाया टेबल लिख दो, तो 9 1 9, 9 2 10, तो आप लिखते जाओगे 9 18 27 36 45 54 63 72 81 एंड 90। सर 9 का टेबल खत्म हो गया और मिल गए हमें सारे अप टू 100 तक मल्टीपल्स ऑफ 9, ठीक है। 100 तक के 9 के मल्टीपल्स हमें मिल गए 90 तक। तो बच्चों इसका मतलब क्या है कि टेबल यहाँ पे खत्म हो गया, तो क्या उसके आगे मल्टीपल्स नहीं हो सकते, यानी कि लास्ट टर्म हमें क्या मिला, 9 10 90। हो सकता है कि उसके भी आगे अगर 100 से कम वाला नंबर 9 के टेबल में आता हो, 9 11 करो, यानी कि 9 को मल्टीप्लाई 11 से करो, आंसर क्या आता है देखो, 99। तो 99 भी 100 से कम वाला नंबर है और 9 से मल्टीप्लाई हुआ ही नंबर है, यानी कि 11 से जब 9 को मल्टीप्लाई किया तब हमें वो नंबर मिला था, ठीक है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में खास ध्यान से याद रख के लिखना है, गलती ना हो जाए, आपको मल्टीप्लाई करते रहना है जब तक इससे बड़ा नंबर ना मिले। चलो हम लोग करते 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63, 9 8 72, therefore 9 9 81, and 9 10 90। अभी भी देखो ये आंसर जो है वो अप टू 100 यानी कि 100 तक ही है, उससे आगे भी नहीं गया, तो हम और आगे ट्राई करते हैं। 9 11 जा, या तो 11 9 जा, कितना होगा 99। देखो ये भी 100 से कम वाला नंबर है, तो ये भी कंसीडर होगा। एक स्टेप और आगे चलते हैं, 9 12 जा, या तो आप ऐसे भी कह सकते हो 12 9 जा, तो 12 9 जा हमारा आंसर कितना आएगा, 108। अब 108 जो है वो हमारा 100 से बिगर नंबर है, तो हम ये वाला जो पूरा नंबर है 108 वाला, हम उसे कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि ये आउट ऑफ 100 चला गया, हमें तो सिर्फ अप टू 100 चाहिए। तो सिंपल आंसर मिल गया, चलो लिख लेते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100, सॉरी 1000 हो गया, आर कौन से हो गए, तो आपको सिंपल याद रखना है जो भी आंसर मिले वो 9 18 27 36
45, 54, 63, 72, 81, 90, and 99। यहाँ तक आपको मिल गए 11 नंबर्स टोटल, लेकिन ये वाला एक नहीं मिला है। तो ये आपके 3, 3, 6, +3, 9, +2, 11, ये जो आपको मिल गए वो सारे के सारे 9 के मल्टीपल्स ऑफ 200 है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।